आप सभी ने गाजर का हलवा बहुत तरह के खाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो गाजर लिए थे और जिसे मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिए। मुझे इसी तरीके से ही गाजर का हलवा ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं इस तरीके से ही बनाऊँगी। यह देखिए, मैंने कद्दूकस कर लिया है गाजर को। मैंने यहाँ कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने 3 चम्मच घी लिया है, बड़े चम्मच से। घी को हम अच्छी तरीके से पिघला लेंगे। घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, इसमें हम 2 इलायची डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। थोड़ा सा ही भूनेंगे। इलायची हमारी भुन गई है, अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे। चलिए इसे हम मिला लेते हैं थोड़ा सा। गाजर जो भी हम हलवा बनाएंगे, गाजर थोड़ा लाल होना चाहिए ताकि हलवा जो है हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम गाजर को ढककर इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे, गलने भी देते हैं। दूसरी साइड हमने एक कढ़ाई और रख दी है, इसके अंदर हम डालेंगे दूध और इसे भी हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। दूसरी साइड दूध हमने 1.5 किलो लिया है, इसे अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। चलिए अब हम गाजर को चेक कर लेते हैं। यह देखिए, गाजर हमारा बहुत ही अच्छा गल भी गया है। और इसको इसी तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा और हम भून लेंगे इसे। चलिए अब हम फिर से इसे ढक देते हैं गाजर को। ये देखिए, दूध में हमारे उबाल आ गए हैं। इसे बराबर हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे इस तरीके से देखिए ये थोड़ा सा लग गया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसे बराबर ही हम चलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा नीचे ना चिपके। एक बार और हम गाजर को चेक कर लेते हैं। यह देखिए, गाजर हमारा बहुत ही अच्छा भुन गया है और इसमें दूध डालने के लिए हम रेडी हैं। ये देखिए, इसके अंदर हम दूध को डालेंगे। गाजर के हलवे में इसको हम चला लेते हैं। दूध को इसी तरीके से हम सुखाएंगे चलाते हुए बराबर, ताकि दूध जो है हमारा अच्छे तरीके से सूख जाए, तभी गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अभी हमें और सुखाना है थोड़ा। ये देखिए, दूध हमारा बहुत ही ज़्यादा सूख गया है, बस ये थोड़ा सा और है। अब हम इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम, तो वो अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। और जैसे ही चीनी जब मिक्स हो जाएगा, वैसे ही आप देखेंगे कि हलवे का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। यह देखिए, हलवे का जो कलर है गाजर के, बिल्कुल चेंज हो गया है। चलिए इसे इसी तरीके से हम चलाते हुए हम इसे अच्छी तरीके से
और हम थोड़ा सा सुखा लेंगे। यह देखिए, यह अच्छी तरीके से हमारा दूध जो है इसके अंदर सूख गया है और यह बहुत ही अच्छा बना है हलवा हमारा। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने नारियल लिए हैं, किशमिश लिया है, बादाम लिया है और इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी। इसमें हम 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हम और इसे फिर से हम थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। यह देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम इसे उतार लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। वीडियो में क्लियर नहीं आ पा रहा है, नहीं तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। चलिए अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।